जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूँ एस्ट्रो काल गणना में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, बिल्कुल सब बदल जाएगा 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक देव गुरु बृहस्पति रहने वाले हैं वृषभ राशि में, और इसका प्रभाव कैसा रहने वाला है कन्या राशि के ऊपर, इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, जो राशिफल मैं बताने जा रहा हूँ, ये चंद्र राशि के आधार पर, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली की जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल पर घटित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पर मैंने बोर्ड पर कुंडली का निर्माण किया, जहाँ पर 6 अंक लिखा हुआ आपकी राशि कन्या राशि है, और कन्या लग्न वाले भी इस राशिफल को देख सकते हैं। आपके राशि से भाग्य भवन में देव गुरु बृहस्पति का बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। भाग्य के बृहस्पति 12 वर्षों में ऐसा योग बनाते हैं। कन्या राशि वालों के लिए काफ़ी समय से अप डाउन की स्थिति थी। कन्या राशि वालों के लिए मान के चलिए 5-6 साल ऐसे ही बीत गए। अब कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति आगे आने वाले वर्षों में भी रहेगी, और जब भाग्य के बृहस्पति हैं तब भी स्थिति बहुत सुधरने वाली। क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है? देखिए, आपके सुख भाव में जहाँ पर 9 अंक लिखा हो, वो देव गुरु बृहस्पति की धनु राशि बनती है, और दूसरी राशि बनती है मीन राशि, जो आपके सप्तम भवन में बनती है, यानी दो केंद्रों के मालिक बनते हैं देव गुरु बृहस्पति। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं देव गुरु बृहस्पति, और वो जाकर के भाग्य में बैठे हुए हैं, तो बहुत बढ़िया योग, ये भी योग बढ़िया बना हुआ है आपके लिए। और देव गुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, पंचम से वो आपकी राशि को देखेंगे, कन्या राशि को देखेंगे, सप्तम से पराक्रम को देखेंगे, और नवम से आपके ज्ञान भाव, संतान भाव को देखेंगे। तो भाग्य भाव पे प्रभाव प्रभावित करेंगे, सुख भाव को भी, दाम्पत्य भाव, रोजगार भाव को भी, संतान भाव को भी, और पराक्रम भाव को भी, और आपको विशेष प्रभावित करने वाले हैं देव गुरु बृहस्पति। वैसे तो देव गुरु बृहस्पति जिस राशि में बैठे हुए हैं, ये वृषभ राशि, देव गुरु बृहस्पति की शत्रु शुक्र, नैसर्गिक शत्रु हैं उनके, उनकी राशि में बैठे हुए हैं। लेकिन इसमें पड़ने वाले 3 जो नक्षत्र हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये देव गुरु बृहस्पति के मित्र नक्षत्र हैं। सूर्य, चंद्रमा और मंगल, ये 3ों नक्षत्र देव गुरु बृहस्पति के मित्र के नक्षत्र हैं, तो इसलिए देव गुरु बृहस्पति यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। क्या परिवर्तन होगा? देखिए, भाग्य के बृहस्पति जब होते हैं तो व्यक्ति के पुण्य उदय होते हैं, और जब पुण्य उदय होंगे तो आपके हर काम बनेंगे। आपके पुण्य उदय हो रखे हैं, जो आपने पुण्य किए हैं, और आपके पुण्यों से आपका लाभ अर्जित होगा। आपका धार्मिक कार्य आप अधिक अधिक से अधिक करेंगे, धर्म में रुचि बढ़ेगी, देव यात्राएं करेंगे, पैतृक संपदा से लाभ होगा, पिता के स्वास्थ्य में लाभ होगा, आप अच्छे काम करेंगे। अगर आप सात्विक रहते हैं, अच्छे काम करते हैं, देवतुल्य काम करते हैं, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति जो हैं ऐसे ग्रह हैं जो स्वच्छ रहते हैं, हर समय प्रसन्न रहते हैं, चेहरे पे लालिमा रहती है, तेज रहता है, यानी कि अगर आप अशुद्ध रहते हैं, फटे पुराने वस्त्र पहनते हैं या स्नान नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं देव गुरु बृहस्पति उतना फल आपको दे नहीं पाएंगे। इसलिए आपने एक तो स्वच्छ रहना है, मलिन नहीं रहना है, फटे पुराने वस्त्र नहीं पहने हैं, तो भाग्य के बृहस्पति चमत्कार करेंगे आपके आपके साथ। तो आपके हर काम बनेंगे, थोड़ा भी मेहनत करेंगे आप, उसमें अधिक से अधिक फल जो है भाग्य देगा, क्योंकि लिखा हुआ है भाग्यम फलति सर्वदा, नच विद्या नच पौरुषम। जब व्यक्ति का भाग्य उदय होता है, न विद्या काम आती है, न मेहनत काम आती है, न पौरुष माने ताकत काम आती है, यानी कि जब काम आता है भाग्य, तो भाग्य के बृहस्पति हैं तो सब काम आपके बनेंगे, यानी थोड़ा मेहनत करेंगे तो सब काम आपके बनने लग जाएंगे। दूसरी बात, आपकी राशि पर दृष्टि होने से आप में ओज बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा, बोलने की शक्ति बढ़ेगी, पठन पाठन की विद्या बढ़ेगी, अध्ययन में रुचि बढ़ेगी, आप निखरेंगे, सुंदर दिखेंगे, तेज बढ़ेगा, और जो पुरानी कमियां हैं आपके अंदर, बहुत समय जैसे स्वास्थ्य में दिक्कत है या आप मानसिक तनाव में हैं, आपके लिए कोई भी पुरानी प्रॉब्लम है जो, या आपके काम नहीं बन रहे थे,
ये काम रुक रहे थे, या उलझने थी, या जकड़न में थे, या बंधन में थे, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां थी, कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आप पर पड़ने से आपके पुण्य उदय होंगे, तो आपके हर काम बनेंगे और आप अपनी कमियों को दूर करेंगे, नवीनता आपके अंदर आएगी, क्योंकि आपके पराक्रम पर दृष्टि पड़ेगी तो नवीनता आएगी आपके अंदर, आपके कुटुंब परिवार के में सहयोगी वर्ग आपका साथ देंगे, आपके मतभेद की स्थितियां जो भी होंगे परिवार में, बड़े भाई के साथ छोटे भाई के साथ, वो कमियां दूर होंगी, वो तुम्हारा मतभेद की स्थितियां दूर होंगी, आपका कारोबार बढ़ेगा, आप निखर करके आएंगे। देव गुरु बृहस्पति आपको अंदर परिवर्तन तो करेंगे ही करेंगे, पहले अष्टम के बृहस्पति थे, उससे पहले सप्तम के थे, छठे के थे, अब भाग्य के बृहस्पति हैं, तो बड़ा परिवर्तन तो आएगा ही आपके जीवन में। और सबसे बड़ी बात है संतान का योग, कन्या राशि वालों का संतान का योग बन रहा, पुत्र संतान का योग बन रहा है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की नवम अमृतमय दृष्टि संतान भाव पर पड़ रही है, तो कन्या राशि वाले बहुत समय से पूछ रहे थे गुरु जी कब हमारे संतान योग बनेगा, तो ये संतान का योग भी प्रबल बन रहा है 1 मई 2024 से लेकर के 15 मई 2025 तक। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है, पठन पाठन में रुचि बढ़ेगी, अध्ययन में रुचि बढ़ेगी, आपके आपके जो उलझने थी, जो संकट थे, परेशानियां थी, और वैसे भी कन्या राशि वालों के जो बच्चे हैं उनकी अब विवाह नहीं हो रहा था, या स्वास्थ्य में दिक्कत थी, या कई परेशानियां थी, जो भी परेशानियां थी कन्या राशि वालों की जो संतानें हैं, उस कमियां दूर होंगी, बच्चों का सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा बच्चों का, और बच्चों का प्रेम मिलेगा आपको, संतान संबंधित जो भी परेशानियां वो दूर होंगी, प्रेम अब लाइफ लव लाइफ में भी मधुरता आने का पूर्ण योग बनता है, दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आएगी, परेशानियां कम होंगी, पहले तो बहुत ज्यादा परेशानी दिख रही थी, संकट बड़े हुए थे, आर्थिक स्थितियां सुधरेंगी आपकी, आप मेहनत करेंगे भाग्य साथ देगा तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेंगी, व्यापार भी अच्छा चलेगा, नौकरियां आपको मिलेंगी, जहां आप नौकरी करना चाहते थे, बहुत समय से प्रयत्न कर रहे थे, वो नौकरियां आपको मिलेंगी, आपकी सफलता आपके कदम चूमने वाली है, इस भाग्य के बृहस्पति बड़ा परिवर्तन आपके अंदर लाएंगे, लाभ के अवसर तो आपको मिलेंगे, जो विदेश में रहते कन्या राशि वाले उनके लिए भी बहुत अच्छी है, भाग्य के बृहस्पति हैं तो विदेश भाव से भी लाभ होगा, विदेश जाने के लिए भी बढ़िया है, विदेश से जुड़े हुए कारोबार में लाभ होगा, और मतभेद की स्थिति जो भी है, अगर आप विदेश में रहते हैं वहां भी कुछ मतभेद की स्थिति, वो भी आपकी कहीं ना कहीं दूर होने वाली है, और दाम्पत्य जीवन और रोजगार व्यवसाय अच्छा चले, क्योंकि सप्तम भाव के मालिक जाकर भाग्य में हैं, सुख भाव के मालिक जाकर के भाग्य में हैं, सुखों की वृद्धियां होंगी, गाड़ी लेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, अब आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है ये साल कन्या राशि वालों के। प्रिय दर्शकों उपाय देख लीजिए, देव गुरु बृहस्पति का अच्छा फल लेने के लिए आप ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जप करें, या आप नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि विष्णु तन्नो विष्णु प्रचोदया, नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदय, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं, नारायण कवच को सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, देव मंदिरों में जाइए और भगवान की सेवा करिए, दीन दुखियों की मदद करिए, प्रकृति की मदद करिए, और देव तुल्य रहिए, क्यों अपने मस्तक पर आप टीका लगा के रखें, अगर मस्तक पर नहीं लगाते पीला टीका, चंदन का टीका, केसर का टीका, नाभि पे लगाइए, सिका पे लगाइए या कंठ पे लगाइए, आप स्वच्छ रहने चाहिए, और जिस प्रकार से ब्राह्मण देवता चमकते हैं ऐसे ही आप भी चमकिए, आपका भाग्य चमकने वाला है, जो भी परेशानियां थी स्वास्थ्य संबंधित कुछ भी परेशानी थी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा अब रहने वाला है, उपाय मैंने आपको लिए बता दिए हैं, और अगर प्रिय दर्शक अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं या ग्रह शांति करवाना चाहते हैं, नीचे अपॉइंटमेंट नंबर चल रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपना अपॉइंटमेंट लेकर के समस्याओं का निदान कर सकते हैं, अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार, जय माता दी।